तारी संगत सारी लगिया दाग जो पंथ नू कदे नहीं गाय उतरना ए गल सच्ची समझो लिख दी कलम हमारी देवल लिखदा लिखदा नमन करे माता चंद कौर नू जेड़ी जगत माता सी सारे पंथ नू पैनी साब दिया लोका यह गदारी लोकी कहिंदे अपनी मां नू गोली मार के ओ बेड़ा गिरक गया है कादे नाम तारी माता चंद कौर जा बैठे विच स्वर्गां दे पिछे पैनी साब विच पागे ने लाचारी लोकी पैसे खातर देके लोरिया जिसनु गोद खटाया है सतगुर मन ठाकुर दलीप सिंह जी ने शीश नवाया है ठाकुर दलीप सिंह जी ने उन्होंने सतगुरु मनिया माता चंद कौर जी नू ते फुट फुट रोण कहिंदे माता जी मैं तेनू कित्थों लब्भा सतगुर जगजीत सिंह जी नित तेनू याद करा नाले दुख दसा बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसी बीबा गुणवंत कौर जिन्होंने बहुत ही भावपूर्व जी कविता थोड़े सामने पेश की है बहुत बहुत धन्यवाद जी साध संगत नूं हाथ भुल नहीं सकती हैगी साडा दिल जिहड़ा ओह खुब्बा मार मार के रोंदा मेरी कविता है सतगुर जगजीत सिंह जी कातों छड़िया इस संसार किवें साभ रखिया सी तू ए सच्चा दरबार सतगुर जगजीत सिंह जी कातों छड़िया इस संसार किवें साभ रखिया सी तू ए सच्चा दरबार अशांत जी दे पुंज सन उन्हां नूं पता सी सारा कुछ ओ जानदे सन मेरे कल विच की कुछ हो रिहा फिर भी उन्होंने शांति वरत के अपने आप नूं बहुत सतगुर जगजीत सिंह जी का तो छड़िया इस संसार किवें साभ रखिया सी तू ए सच्चा दरबार झूठे सच्चे वस गए सी विच तेरे दरबार कुछ पहला जे गुदार ते कुछ सच्चे पहरेदार इन्हां गुदारां दियां की दसां नित तेनू याद करां नाले दुख दसां की कुछ कर के गए पंजे गुदार दी आज हम समूह नामदारी संगत हमारे पूजनीय माता चंद कौर जी के कातिलों को पकड़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ से समूह नामदारी संगत का एक डेलीगेशन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी से मिलेगा जाके और उनसे जाके हमने विनती करनी है हमने अपनी मांग रखनी है कि हमारी पूजनीय माता जी जिनका दिन दहाड़े गुरुद्वारा श्री भैंड साहब की सशस्त्र चार दीवारी के अंदर दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है और उसको पहले पंजाब पुलिस उसकी तहकीकत कर रही होती है फिर बाद में SID कर रही है आज मौजूदा हालात के अंदर पिछले 3 वर्ष से CBI वहाँ पे उसकी जांच कर रही है पर आज की हैरानी की बात यह भी लगातार 3 वर्ष जांच होने के बावजूद भी आज तक कोई भी कातिल वहाँ से नहीं पकड़ा गया। ये तो सर्वमान्य बात है कि अगर किसी कंपाउंड में या किसी चार दीवारी के अंदर कोई कत्ल होता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी उसकी वहाँ की मैनेजमेंट की होती है पर आज तक मैनेजमेंट वालों के किसी भी आज तक किसी से सख्ती से पूछा नहीं गया। हैरानीजनक बात यह है कि माता चंद कौर जी जिस दिन का कत्ल होता है उसी रात माता रात को दिल्ली से भैंड साहब जाते हैं कातिलों को ऐसे पता लग गया कि माता चंद कौर वापस भैंड साहब आ चुके हैं और एक ऐसी जगह पर जाकर माता का कत्ल होता है जहाँ पे CCTV कैमरे मौजूद नहीं है और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो सशस्त्र बॉडीगार्ड जो माता चंद कौर जी के साथ हमेशा ही रहता था उस दिन वो वहाँ पे साथ में क्यों नहीं था
माता चंद कौर जी को बहुत ही नज़दीकी से दो गोलियां मारी जाती हैं जो वो कहते हैं, लेकिन सबसे विचार वो याद ये है जो साथ में बैठा हुआ ड्राइवर है उसको गोली लगती नहीं है। बैनी साहब से चंद किलोमीटर की दूरी पे फोर्टिस हॉस्पिटल है, माता चंद कौर जी को वहाँ ना ले जाकर वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर सदगुरु प्रताप सिंह अपोलो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। इतना बहुमूल्य समय क्यों खराब किया गया? ये सब चीज़ें जो हैं ये सब संदेह पैदा करती हैं कि बैनी साहब की मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाती हैं कि ऐसी वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ की शक्ति मौजूद है जो कोई भी जाँच एजेंसी चाहे वो पंजाब पुलिस हो चाहे वो CBI हो वो उनको जांच करने से रोक रही है। हमारी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है वो अपने दिशा निर्देश दे के माता चंद कौर के कातलों को तुरंत पकड़वाएं ताजो नामदारी संगत में शांति पैदा। सरकार से आपकी अगर बात हुई तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया? अभी हम अभी यहाँ से डेलीगेशन हमारे इकट्ठा होके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मिलने जा रहे हैं, वहाँ से हमें क्या आश्वासन मिलता है वो हम आपके बाद में उनसे साझा करेंगे। अगर जो आपकी मांगे हैं वो नहीं पूरी होती है तो अगला आप लोगों को जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है हमारा आज काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है, लेकिन इसको तकरीबन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि मौसम जैसा समझ लीजिए लोग सब लोग इस उम्मीद के अंदर बैठे हुए हैं कि माता हमारी माता पूज्य चंद कौर जी हैं उनका जो कत्ल हो गया उनका गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। पंजाब से आए हैं और भी देश के कोने कोने से हमारे साथ स्त्री जाति स्त्रियाँ और जो हमारे भाई हैं सभी माननीय लोग हमारे साथ एकजुट होकर हम लोग आए हैं। आए इसलिए हैं कि हमारे पूजनीय माता चंद कौर जी का कत्ल आज से लगभग 4 साल पहले दिन दिहाड़े हो गया था, 4 अप्रैल 2016 को। तो उस संबंधी अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इंसाफ के लिए यहाँ पर दोबारा से यहाँ आए हैं, जंतर मंतर में एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री जी से गृह मंत्री जी से अपनी मांग पत्र लेकर आए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और कातिलों को पकड़ा जाए, नहीं तो हमारी स्त्री जाति आज बहुत ही खतरे में है। आपके सामने ही है कि दिन पर दिन हमारी स्त्री जातियों पर अन्याय बढ़ता जा रहा है। अगर देवी जैसी माताएं जो हमारी पूजनीय थी जिनको हम सदगुरु मानते थे अगर वो सुरक्षित नहीं है उनका दिन दिहाड़े मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है और कातिलों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता अभी तक, तो आम जनता आम स्त्री जाति कितनी खतरे में है आप सोच सकते हैं। आप सीधे-सीधे निशाना जो है सरकार के ऊपर डाल रहे हैं? हम सरकार के ऊपर भी निशाना डाल रहे हैं क्योंकि अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। पंजाब पुलिस के बाद सिट के बाद अब CBI तक भी जांच चल रही है तो अभी तक एजेंसियां इस बात की खोज नहीं निकाल पाई इसका क्या कारण है, हम तो यही तो जानने आए हैं। दूसरा ड्राइवर थे जी के ड्राइवर से ऐसे कोई पता नहीं चला कि कत्ल किसने किया है? ड्राइवर की जांच पड़ताल की जाएगी, उनसे सख्ती से पूछा जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा तभी तो बताएंगे ना। हालात में ड्राइवर साथ थे जब उनको मारा गया, अभी से नई कार्रवाई की CBI को आपने जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी जांच करनी चाहिए उनकी जांच अभी तक नहीं हुई है। कैप्टन से क्या कहना चाहेंगे? कैप्टन सरकार से भी यही कहना चाहेंगे, कौन सी भाषा उनको समझ आती हमें तो नहीं पता, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिले, वो किस तरीके से मिले वो खुद जानते हैं, वो बहुत समझदार हैं जो कैप्टन मुख्यमंत्री की सीट पर पदवी पर बैठे हैं, तो हम तो आम जनता है हमसे ज़्यादा समझदार है ना, तो उनको ज़्यादा पता है कैसे हमें न्याय मिलना है। आने के बाद आपको लगता है कि मोदी सरकार या केंद्र सरकार जो है वो आप लोगों की बातों को गौर करेगी? इसी आशा पर आए हैं हम लोग, लगता है कि मोदी सरकार कुछ सरगर्म हुई है, जैसे अभी ये एनकाउंटर वाली घटना हमारे सामने आई जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के मामले में, और इसी तरह अब आगे भी निर्भया कांड में भी फांसी की सजा दी जा रही है, तो हमें लगता है कि अब मोदी सरकार माताजी के संबंधी भी हमें लगता है कुछ आशा नज़र आ रही है, स्त्री जाति के संबंधी कुछ सही निर्णय लिए जाएंगे। जैसा अभी सभी को पता है पूरे मीडिया को भी मालूम है कि माता चांद कौर का कत्ल हुआ पैनी साहब में, उसके रोज के 4 साल जिस कत्ल को हो गए हों पूरे, उसके बावजूद भी उसके कातिल न पकड़े जाएं तो ये बड़े शर्म की बात है। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं भी और संगत भी यही जानना चाहती है कि आखिर 4 साल में CBI जैसी एजेंसी ये पता नहीं लगा पाई कि माता जी का कातिल कौन है, और वहाँ ये कत्ल हुआ तो वो बंदे वहाँ से गए कहाँ, जहाँ की
इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा, 50-50 सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स, पुलिस गार्ड वहाँ सब लगी हुई है। जो ड्राइवर है, उस दिन जो असली ड्राइवर था उसको हटा दिया गया, दूसरा ड्राइवर वहाँ रख दिया गया, जो कि वो किसी और का है, ड्राइवर है, उसको वहाँ रखा गया। उसके साथ साथ यदि और देखा जाए, बारीकी से देखा जाए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाए, तो माता जी का चेहरा, आधा चेहरा नीला पड़ा हुआ है, उनके हाथ की कलाइयाँ, यहाँ से दोनों कलाइयाँ टूटी हुई हैं। यदि गोली मारी गई है तो आखिर कलाई क्यों टूटी है, चेहरा क्यों नीला पड़ा हुआ है, आखिर क्यों एजेंसी, सीबीआई एजेंसी क्यों इसके ऊपर जांच नहीं कर रही है? क्या कहने का मतलब है कि प्रशासन जो है या सीबीआई तरीके से नहीं काम कर रही है, प्रशासन का प्रेशर है? यदि ऐसा नहीं होता, जो क्वेश्चन आपने किया है प्रशासन का प्रेशर, शायद ऐसा नहीं होता तो यहाँ इतने बड़े जत्थे को इकट्ठा होना नहीं पड़ता। इतने बड़े जत्थे को इसलिए इकट्ठा होना पड़ा है कि काम 4 साल में अभी तक एक कदम भी नहीं बढ़ा है, इसलिए आज इतना इकट्ठा होके इतना रोष संगत में है। जो पंजाब से लोग आए हैं अपना पैसा खर्च करके, अपना समय बर्बाद करके यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आखिर एक माता जी के लिए, वो यहाँ की माता नहीं है, वो पूरी संगत की जगत माता थी, वो उनको इतना माना जाता था। क्योंकि देखिए, एक पर्टिकुलर बंदा कोई काम नहीं कर रहा है तो हम अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना ऊपर तक पहुंचाएंगे, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे कोई भी। अभी इनके मिनिस्टर हैं सीबीआई के मिनिस्टर, मिस्टर जितेंद्र सिंह, जो डीओपीडी मिनिस्टर हैं सीबीआई के, आखिर उनको भी हम ये यहाँ से सॉरी इस प्लेटफॉर्म से हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि वो इस पर ध्यान दें। अमित शाह जी से जगह भी हमारे हेड साहब ने बताया, प्रधान जी ने बताया कि इसके बाद भी हम अमित शाह जी के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, हम कोशिश ये करेंगे केवल कातिल पकड़े जाएं। हमारे केवल यही एक उम्मीद है कि हमारे कातिल माता जी के पकड़े जाएं। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, क्या आपको निशाना जो बना रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से? हमारा ऐसा कोई किसी निशाना नहीं है, हमें केवल न कांग्रेस से न हमें राजनीति से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल माता जी के कातिलों से मतलब है कि माता जी के कातिल 4 साल में नहीं पकड़े गए, सिर्फ उनका हमें बोझ है कि वो पकड़े जाएं, हमें कोई किसी सरकार से लेना देना नहीं है। कैप्टन से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, केवल उन्होंने ये बताया गया है, जैसा कि जांच पता लगा, मुझे जो पता लगा कि उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है केस को सीबीआई।